कानपुर आईटीआई हर साल की तरह इस साल भी अंतरागिनी का 54वां संकरण कराने जा रही है। अंतरागिनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रचनात्मक अतिरेक का गवाह है, जो आईटीआई कानपुर की पहचान है। अंतरागिनी के प्रमुख आकर्षण चार पेशेवर नाइट्स हैं, जिसमें पहला फ्यूजन नाइट्स, दूसरा रॉक, तीसरा रेवरेशन और चौथा बिल्स क्रेज है। इस बार बिल्स क्रेज में शंकर एहसान लोय अपनी प्रस्तुति करेंगे। अंतरागिनी को लेकर आज कानपुर आईटीआई में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वो है बैटल ऑफ रैप। इसमें रोडीज आपके कुछ इंटरनेशनल रोडीज भी तो वो लोग इंटरनेशनल रोडीज बांग्लादेश और जो काठमांडू से आ रहे हैं उनका डिटेल्स आपको ब्रीफ किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे खुद के जो इंडियन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। एक है बैटल ऑफ रैप्स, वो इवेंट हम इस बार से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा साइलेंट डिस्को रहेगा, ब्लाइंड डेट्स जो रेगुलर इवेंट्स हैं, जो पॉपुलर इवेंट्स हैं, जिटरबग है, वो सब तो रहेगा ही। उसमें इंडियन जो पार्टिसिपेंट्स हैं बाकी जो नेशनल वो हमारे साथ दे रहे हैं। तो तीन ऐसे थीम है, एक है जैसे सेव द वाटर, पानी बचाओ, और दूसरा है से नो टू प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक को वर्जन करने के लिए, और तीसरा है पोलियो इरेडिकेशन। तो ये तीन जो सब थीम्स हैं ये अंतरागिनी के लिए बहुत खास है। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, उसके अलावा भी ये सब जो थीमों पे हम काम करना चाहते हैं, और जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके लिए भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और इस बार जैसे पिछले साल के मुकाबले इस बार कुल पार्टिसिपेंट्स हमारे खुद के स्टूडेंट्स को जोड़ के लगभग 3000 हैं। उसमें से लगभग 2000 बाहर से आ रहे हैं, मतलब जैसे देश के कई कोने से, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब जगह से आ रहे हैं। और जो नामचीन कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे हर साल की तरह होता है। और इस बार इनके साथ जो इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेंगे, उसमें से खास बात ये है कि एक कंट्री पहले आता था कि कोई या तो इज़राइल से आ गया, या फिर ईरान से, या फिर कोई दूसरे अमेरिका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई एक बैंड आके परफॉर्म करता था। मगर इस बार हम लोग 5 अलग अलग कंट्री से, जैसे कल ओपनिंग सेरेमनी में हम लोग बुला रहे हैं जो चीफ गेस्ट के तौर पे, जो यूपी के डीजीपी हैं मिस्टर ओम प्रकाश सिंह, और जो कानपुर रोटरी इंटरनेशनल के जो गवर्नर हैं मिस्टर डीसी शुक्ला, उनके साथ साथ हमारे जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अभय करण, और उनके साथ जो डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर हैं प्रोफेसर शनमुगराज, ये दोनों रहेंगे। और 5:30 बजे हमारा जो मेन जो ओपनिंग सेरेमनी वो होगा मेन ऑडिटोरियम में। मगर ये जो इवेंट्स हैं, जो कल्चरल इवेंट्स हैं, बाकी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, वो शुरू हो जाएगा, सवेरे से ही शुरू हो जाएगा और अलग अलग वेन्यू में चालू हो जाएगा। स्टूडेंट्स बाहर से लगभग बहुत सारे पहुँच भी गए, और कल भी बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। और जैसे जो 4 नाइट है, जैसे कल से शुरू हो जाएगा मतलब मेन इवेंट्स, तो हर इवनिंग में हमने एक नाइट के जगह, मतलब जैसे पहले होता था कि संडे को एक ही फाइनल नाइट होता था, उसके अलावा हम लोग इस बार 3 और जो नाइट जो मेजर अट्रैक्शन वो जोड़ा है, तो उसमें से 4 डिफरेंट नाइट्स होगा। सारे प्रो नाइट्स ग्राउंड में होंगे, और जो फाइनल नाइट में हमारे जो बॉलीवुड के जो स्टार वो आएंगे वो है शंकर एहसान लॉय, और उनके साथ हमारा जो ब्लिट्ज़क्रिग है जो बॉलीवुड नाइट वो परफॉर्म किया जाएगा। और इसके अलावा जो रितंबरा है, जो फेस्टिवल जो फैशन शो है, उसमें जो इंटरनेशनल जो जज आएंगे, इंटरनेशनल एक है अनुकृति व्यास जो मिस इंडिया वर्ल्ड है लास्ट ईयर की, शी विल बी द मेन जज ऑफ दैट इवेंट। उनके अलावा भी हमारे यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइनर, एक है सलोनी सेहरा, बहुत नामचीन फैशन डिज़ाइनर है मुंबई से, शी विल बी ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे रोड ट्रिप्स होते हैं, तो पहले होता था कि पूरे इंडिया भर में रोड ट्रिप जाते थे, अभी हम लोग इंडिया में रोड ट्रिप्स के अलावा, जैसे जयपुर में हुआ, फिर एमपी में हुआ, उसके अलावा भी हम लोग इस बार 2 इंटरनेशनल रोड ट्रिप जो रोडीज़ है वो आयोजन किया था। तो एक हुआ था बांग्लादेश में 15th of September, और एक हुआ था जो काठमांडू में 27th September। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।